नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव खबर में। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीपीपी के बैठक में राहुल गांधी बोले, विचारधारा की लड़ाई में हारी बीजेपी, सोनिया ने भी साधा निशाना। कुंभ में फिर लगी भीषण आग, बाल बाल बचे, बिहार के गवर्नर लालजी टंडन। जंतर मंतर पर आज आपकी महारैली, ममता बनर्जी भरेंगी मोदी के खिलाफ हुंकार, साथ दिखेंगे चंद्रबाबू नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा। प्रियंका गांधी की 16 घंटे चली बैठक, सुबह 5:30 बजे हुई खत्म। प्रियंका गांधी ने कहा, मुझसे नहीं राहुल से है मोदी का मुकाबला। भारत बनेगी सलमान की कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म। अब खबरें विस्तार से। बडगाम एनकाउंटर में सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। अभी तक मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि सुबह तड़के सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर के बडगाम इलाके में आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ के दौरान सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इस बीच तनाव न फैले, इसके लिए एहतियातन इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया। वही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जो कि सुबह 5:30 बजे खत्म हुई। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, यह चुनाव कैसे जीता जाए, इस पर मैं अपने कार्यकर्ताओं से विचार जान रही हूं। आपको बता दें, जयपुर से लौटने के बाद मंगलवार की रात प्रियंका ने अलग अलग 8 लोकसभा क्षेत्रों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इनमें अमेठी और रायबरेली सीट शामिल है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक को लेकर प्रियंका ने कहा कि यहां काफी बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं संगठन के बारे में सीख रही हूं, मैं लोगों की राय सुन रही हूं, आखिर चुनाव कैसे जीता जाए, इस पर भी बात हो रही है। राजस्थान में गुज्जर आंदोलन 6 दिन भी जारी है। आंदोलन की लपटे अब माताराना स्टेशन के निकट रेलवे ट्रैक से निकलकर प्रदेश के अन्य हिस्सों में फैलने लगी है। 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुज्जर आंदोलनकारी पटरियों और सड़कों पर उतर आए थे। आपको बता दें कि जयपुर आगरा हाईवे के साथ ही गुज्जरों ने राजस्थान के कई जिलों में सड़कें जाम करके सड़क यातायात भी रोक दिए थे। वहीं गुज्जर आंदोलन से प्रभावित आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 3 ट्रेन रद्द भी कर दी गई है। बता दें कि पटेलों ने पंचायत में सर्वसम्मति की ओर से राजस्थान सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही सीएम के नाम पर उपजिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें आंदोलनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और उग्र बनाने की चेतावनी दी है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का अनावरण किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और विभिन्न दलों के अन्य नेता मौजूद रहे। दरअसल संसद की एक पोर्ट्रेट कमेटी होती है, जो संसद भवन परिसर में किसी भी नेता या महापुरुष का चित्र या फोटो लगाने पर निर्णय लेती है। लोकसभा का अध्यक्ष इस कमेटी का अध्यक्ष होता है। इस कमेटी में विपक्षी पार्टियों सहित सत्ताधारी पार्टी के कई सांसद इसके सदस्य होते हैं। इस कमेटी ने ही 18 दिसंबर 2018 को वाजपेयी का लाइफ साइज फोटो लगाने का निर्णय लिया था। दरअसल संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीर भी लगी हुई है। अब इस कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी जुड़ गया है। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी ने संसद में लंबा समय विपक्ष में बैठकर गुजारा, फिर भी वो लगातार आम लोगों की समस्याओं को संसद में उठाते रहे। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता गीत नया। वही राफेल डील को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर तीखे वार करते हुए दावा किया है कि राफेल डील में एक ईमेल सामने आया है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी के मिडिलमैन का काम किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने साथ ही कहा कि इस मामले में पीएम मोदी पर आपराधिक केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि मोदी वही कह रहे थे जो जासूस कह रहे थे। चौकीदार न केवल चोर है, बल्कि वो एक बिचौलिया है। पीएम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले राहुल ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ट्वीट करके छात्रों और देश के युवाओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का अनुरोध किया था। राहुल ने ट्वीट किया था कि प्रिय छात्रों और देश के युवाओं, हर रोज राफेल को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों से साफ हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त अनिल अंबानी को आपकी 30,000 करोड़ रुपए चुराने में मदद की है। फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, वो कहते हैं मेरी समझ में डिस्कशंस चल रहे हैं फ्रेंच कंपनी और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में, एचएल उनमें शामिल है। एचएल को नहीं मालूम, मगर अनिल अंबानी को डील होने के 10 दिन पहले मालूम है कि डील होने वाली है। प्लीज आज राजनाथ सिंह वाई, राजनाथ सिंह से आप पूछिए कि ये मतलब अनिल अंबानी को इस एमओयू के बारे में कैसे मालूम, अगर पीएम इतने प्योर हैं, इतने साफ हैं, तो ये अनिल अंबानी को मतलब इस डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लग रहा है? डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया, डिफेंस मिनिस्टर ने तो क्लियर कर दिया कि भैया, और वो मतलब आपने वो डिफेंस की फाइलें देखी हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्शन है, तो डिफेंस मिनिस्टर ने तो क्लियर कर दिया मैं नहीं जानता। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्ट कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है पीएमओ इज डायरेक्टली नेगोशिएटिंग, और अब इनका चीफ नेगोशिएटर बाहर आ गया, चीफ नेगोशिएटर अनिल अंबानी सिटिंग इन फ्रांस नेगोशिएटिंग ऑन बिहाफ ऑफ पीएम, आई मीन कम ऑन। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव खबर।